केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार नू दिता वड्डा वित्ती चटका। कर्जा लैण दी हद च 18,000 करोड़ रुपए दी कीती कटौती। आप सरकार दियां वधियां मुश्किलां। शब्दां दी ताक ते वन मीडिया चैनल देख रहे सारे ही दर्शकां दा मैं शिव शर्मा स्वागत करदी हां। केंद्र दे मोदी सरकार ने पंजाब सरकार नू वड्डा वित्ती चटका दित्ता है। दाजे की केंद्रीय वित्त मंत्री ने पंजाब सरकार नू उधार लैण दी हद दे विच 18,000 करोड़ रुपए दी कटौती कीती है। जबकि इस तो पहला जो लिमिट सी, लोन लिमिट सी, ओहो कुल 39,000 करोड़ रुपए दी सी, ते हुण 18,000 करोड़ रुपए कटौती कर दिती है, जिस कारण हुण पंजाब दी आप सरकार नू वड्डा झटका लग्या अते आप सरकार दियां मुश्किलां वी वध गईयां ने। इस तो पहला दस दिए कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश अते केरला नू वी वित्ती झटका दित्ता है, ते हुण पंजाब सरकार नू जो कि वड्डा झटका दित्ता है अते कर्जे दी हद जो कि 18,000 करोड़ रुपए घटा दित्ती है, जाने कि 18,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। जिक्रयोग है कि पंजाब के कुल घरेलू पैदावार का 3% उधार लैण की हद बंद है। अंकड़े मुताबिक पंजाब की कर्जा हद सालाना 39,000 करोड़ रुपए बनती है। केंद्र सरकार के इस फैसले तो बाद पंजाब की सालाना उधार लैण की हद 18,000 करोड़ रुपए घट हो जाने तो बाद सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही रह गई है। भाव पंजाब सरकार हुण सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए तक का ही कर्जा लै सकेगी। दूजे पासे भाजपा की केंद्र सरकार ने पूंजी संपत्तियां दे विकास लई पंजाब नूं दित्ती जाण वाली 2600 करोड़ रुपए की सालाना ग्रांट भी बंद कर दित्ती है। पंजाब सरकार इस फंड की वरतों इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास लई करदी है। केंद्र सरकार दे इस फैसले नाल पंजाब सरकार दियां मुश्किलां च वाधा होया, क्योंकि पंजाब ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दित्ती है अते पंजाब सरकार नूं खदशा है कि केंद्र सरकार वल्लों मिलण वाला राज पेंशन फंड अते विकास अथॉरिटी तहत मिलण वाला सालाना 3,000 करोड़ रुपए का फंड भी मिलना बंद हो जाएगा। सो हुण तुहानूं दस दें कि कारण रहा है कि केंद्र सरकार दे वल्लों जो कर्जा लैण दी हद च 18,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। दस दें कि केंद्र सरकार अते पंजाब सरकार दरमियान कई मुद्दों नूं लैके तकरार चल रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार पूंजीगत खर्चे के नियमों की उलंघना कर रही है। दूजे पासे केंद्र सरकार कौमी सेहत मिशन के करीब 800 करोड़ के फंड नूं भी जारी नहीं कर रही। केंद्र सरकार ने इतराज जाहिर किया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरां दा नाम आम आदमी पार्टी क्लीनिक रखा गया है अते इन्हां इमारतां ते मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर लगाई गई है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह यह मामला केंद्र सरकार सामने रख चुके ने। दूजे पासे पंजाब दे वित्त विभाग दे अधिकारी दा कहना है कि पंजाब सरकार पूरी तरह वित्तीय जिम्मेवारी अते बजट प्रबंधन एक्ट की पालना कर रहा है, जिस करके कर्जा सीमा विच कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। सो तुहानूं दस दें कि इस तो पहला केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश अते केरला नूं भी वित्तीय झटका दे चुकी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहला केरला सरकार लई भी उधार सीमा 32,442 करोड़ तो घटा के 15,390 करोड़ कर दिती सी अते इह कटौती सालाना 17,052 करोड़ दी बनदी है। इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश लई भी कर्जा लैण दी सीमा सालाना 5,500 करोड़ रुपए घटा दिती गई है। पंजाब सरकार पहला ही कर्जे दे बोझ हेठां दबी हुई है ते हुण केंद्र सरकार दे वल्लों भी जो कि वड्डा झटका दिता गया अते कर्जा लैण दी हद दे विच 18,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दिती है ते हुण पंजाब सरकार सिर्फ केंद्र सरकार दे वल्लों जो कि
21,000 करोड़ रुपए का कर्जा ही ले सकती है। जी हाँ, पहला लोन लिमिट कुल 39,000 करोड़ रुपए की सी, ते हुण 18,000 करोड़ की कटौती करके पिछे सिर्फ 21,000 करोड़ ही बाकी बचिया जो पंजाब सरकार केंद्र सरकार तो कर्जा ले सकती है। सो हुण देखना होवेगा कि आने वाले दिनों दे विच होर किन्नियां आप सरकार दियां मुसीबतां वधदियां ने, क्योंकि पहला ही पंजाब दी आप सरकार कर्जे दे बोझ हेठां दबी हुई है। देखदे रहो शब्दां दी तख्त एवन मीडिया। धन्नवाद।